दोस्तों शाहरुख की लोकेश डायरेक्टर वाली पैंथर मूवी में बॉबी देओल विलेन के रूप में देखने को मिल सकते हैं। वही बॉबी देओल किंग खान के साथ काम करने की लंबे समय से इच्छा जाहिर कर रहे हैं। लॉर्ड बॉबी एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं वो शाहरुख के साथ एक बड़ी फिल्म में काम करना चाहते हैं जिसमें वो नेगेटिव रोल करेंगे। वही साउथ डायरेक्टर लोकेश भी इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि वो शाहरुख के सामने एक दमदार विलेन लेकर आए। वही दूसरी तरफ बॉबी देओल कंगूवा फिल्म में काम कर रहे हैं। वही शाहरुख ने अपनी बेटी के साथ आने वाली फिल्म को होल्ड कर दिया, यानी सुहाना खान वाली फिल्म का काम बंद कर दिया है। खबरों की माने तो शाहरुख कुछ अलग प्लान कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब वो 4 साल में नहीं बल्कि 4 महीने में वापस आएंगे, वो भी एक धमाकेदार एक्शन थ्रिल के साथ। किंग खान फिर से बॉलीवुड पर कब्जा करने आ रहे हैं, इस बार एक्शन काफी बड़े लेवल पर होगा। दूसरी तरफ शाहरुख लोकेश कनगराज के साथ भी फिल्म बनाने वाले हैं। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान कहते हैं कि वो इस बार बहुत बड़ी फिल्म लेकर आ रहे हैं जो सबके होश उड़ा देगी, और अब इसके बाद वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग गए हैं। फिलहाल की अपडेट के मुताबिक किंग खान इस बात से बेहद खुश हैं कि उनका साल कैसा गुजरा, क्योंकि उनकी मेहनत अच्छी रही और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही हैं। खबरों की माने तो शाहरुख खान साल 2024 के अगले महीने में 3 फिल्मों की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। उन्होंने कहा इंडस्ट्री में हर कोई उनके अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन SRK किसी भी फिल्म को चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले स्क्रिप्ट पढ़ेंगे फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। वही आपकी जानकारी के लिए बता दे कि शाहरुख किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं और उनकी आने वाले समय में काफी एक्शन फिल्में देखने को मिलेगी। शाहरुख हमेशा अपनी ऑडियंस के लिए कुछ नया लेकर आते हैं और इस बार भी वो बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। अगर YRF अपनी धूम फिल्म को बताएंगे तो उसके अंदर शाहरुख को लेंगे, और वही साउथ के कुछ बड़े डायरेक्टर भी शाहरुख खान के साथ काम करने वाले हैं।